आज के स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक पड़ताल में हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी के अवतार संत गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी और अमर ग्रंथ श्री ग्रंथ साहिब की रचना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। काल ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में से एक पृथ्वी भी है जिसमें हम सभी रह रहे हैं। काल ज्योति निरंजन जिसे सदाशिव भी कहते हैं, यह समय समय पर अपने अवतार भेजता है। अंतिम अवतार अभी आना शेष है जिसे कलिक या निकलंक नाम से भी जाना जाएगा। पवित्र वेदों में प्रमाण है कि सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में धरती पर आते हैं और अपने सद्ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही सुनाते हैं और उन्हें अपने ज्ञान का गवाह भी बनाते हैं। कलयुग में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने निज धाम सतलोक से आकर अपनी पुण्य आत्माओं जैसे कि संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले आदरणीय नानक देव जी पवित्र सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय दादूदास जी आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले आदरणीय मुलुकदास जी आदरणीय घीसा दास जी खेखड़ा गांव मेरठ उत्तर प्रदेश वाले इन छह आत्माओं को अपना शिष्य बनाया। तो आज हम आपको परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के अवतार के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गाँव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज जी का नानका था। इनके पिताजी श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था और इसीलिए बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। बलराम और रानी जी के विवाह के 12 वर्ष बाद गरीबदास जी महाराज जी का जन्म हुआ। श्री शिवलाल जी गरीबदास जी के नाना जी के पास 2500 बीघा जमीन थी जिसकी वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाया करते थे। कबलाना गांव की सीमा से सेट नला खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी झांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे तभी वहां से कुछ ही दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। संत गरीबदास जी महाराज जी को साहिब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए थे। परमेश्वर कबीर साहिब जी सतलोक से आए और पृथ्वी पर उतरे तथा रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा कि बाबा जी आओ खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खा कर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो आपको अवश्य ही पीना पड़ेगा, हम अतिथियों को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। परमेश्वर के ऐसा कहते ही जो बड़ी आयु के पाली ग्वाला थे उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है, भला कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है? परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। परमेश्वर के अपनी बात को दोहराने पर बालक गरीबदास जी ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 से 2 वर्ष की थी जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। परमात्मा के हाथ रखते ही बछिया के स्तन लंबे हो गए, स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने दूध पिया और फिर शेष दूध को अन्य पाली ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे कि बाबा जिंदा कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है और हम इस पाप के दूध को नहीं पिएंगे। संत गरीबदास जी पुण्य आत्मा थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि हे बाबा जी आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। बालकपुरी संत गरीबदास जी ने शेष दूध पिया जिसके बाद परमेश्वर जिंदा वेशधारी कबीर जी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया तथा प्रथम उपदेश देकर तत्व ज्ञान बताया।
संत ग्रीपदास जी ने कबीर परमात्मा जी से आग्रह किया कि मुझे आपका गांव दिखा दो बाबा जी। संत ग्रीपदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी ने बालक ग्रीपदास जी को सतलोक दिखाया। रास्ते में एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार किया तथा फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत ग्रीपदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए तथा अक्षर पुरुष से मिलवाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर कबीर जी के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मोर पक्षी अपने पंख को फैला लेता है, ठीक उसी प्रकार अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब वह ऐसे ही करता है। और इसी प्रकार अक्षर पुरुष के 1,000 हाथ है, जिसने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया था। परमेश्वर कबीर जी ने संत ग्रीपदास जी को 12वें द्वार के सामने ले गए, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना हुआ है। परमात्मा कबीर जी ने मन ही मन में सार शब्द का जाप किया, जिससे 12वां द्वार खुल गया। परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत ग्रीपदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। भंवर गुफा के खत्म होते ही वे सतलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुंबद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी विराजमान थे। इसके बाद जिंदा बाबा अपने साथ बालक ग्रीपदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। बालक ग्रीपदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा के सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए और फिर पहले वाला तेजोमय प्रभु जिंदा बाबा पर चवर करने लगा। इस अद्भुत लीला को देखकर संत ग्रीपदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए और कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे ग्रीपदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। मैं पहले हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था और पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा कबीरन खबीरा खबीरन अल्लाहु अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिला था तथा मैं ही बलक शहर के बादशाह अब्राहिम सुल्तान अधम तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में कबीर अग्नि कबीर देव आदि नाम है, वह भी मेरा ही बोध है। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं मिलू वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलू वो वेद जानते नाही। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का संत ग्रीपदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, उसकी एक यादगार विद्यमान है। उधर पृथ्वी लोक पर माता पिता नानी नाना और सभी ग्रामीण बालक ग्रीपदास जी को मृत जानकर चिता पर लिटाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तब तक परमेश्वर कबीर जी ने ग्रीपदास जी के अंतकरण में अध्यात्म ज्ञान प्रवेश कर दिया था तथा बाद में संत ग्रीपदास जी की आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया। बालक को पुनर्जीवित पाकर सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संत ग्रीपदास जी चिता पर जिंदा होकर बोले, अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, छिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नई भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की।
की। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे हुई सदग्रंथ साहिब ग्रंथ की रचना। 3 वर्ष उपरांत दादूपंती संत गोपाल दास, जो कि वैश्य परिवार से थे, उस गांव में आए तथा संत ग्रीवदास जी से पूछा, बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत ग्रीवदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। संत ग्रीवदास जी महाराज जी ने वाणी के माध्यम से कहा, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार या मोहे सदगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। इन वाणियों को सुनकर गोपाल दास जी समझ गए कि यह विशिष्ट ज्ञानी बालक परमात्मा से मिलकर आया है। गोपाल दास जी के यह प्रश्न करने पर कि उन्हें कौन मिले थे और कहां लेकर गए थे, इस प्रश्न के उत्तर में 13 वर्षीय तत्वदर्शी संत ग्रीवदास जी ने उत्तर दिया कि मुझे जिंदा बाबा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, वहां स्वयं कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। ऐसा बोलकर संत ग्रीवदास जी वहां से चले गए। गोपाल दास जी पीछे पीछे चले और ग्रीवदास जी से नम्र निवेदन किया कि यह ज्ञान लिपिबद्ध करवा दो। संत ग्रीवदास जी ने कहा कि यदि आप पूरा लिखो तो मैं लिखवाऊं। तब गोपाल दास जी ने सहमति दी कि मैं पूरा लिखूंगा, जिसके बाद परमात्मा से प्राप्त तत्वज्ञान को ग्रीवदास जी के बैरी के बाग में एक झांडी के पेड़ के नीचे बैठकर 6 माह तक गोपाल दास जी ने संत ग्रीवदास जी द्वारा बोली गई वाणियों को पूरा लिखा और इससे श्री ग्रंथ साहिब अमर बोध अमर ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ में कबीर सागर के 7,000 शब्द सहित 24,000 शब्द लिखे गए हैं। बंदी छोड़ संत ग्रीवदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणेनु, जिसका भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिस क्षेत्र में आएंगे उसका नाम हरियाणा है। परमात्मा के आने से पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही गई वाणी सन 1966 में सिद्ध हुई, जब सन 1966 में पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसी स्थान पर पहले तत्वदर्शी संत ग्रीवदास जी महाराज जी और आज वर्तमान में पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विद्यमान है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ही अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि कबीर सागर और कबीर बीजक में काल अपने दूतों द्वारा मिलावट कर देगा, और इसीलिए हे धर्मदास, जब 12वां पंथ ग्रीवदास पंथ आएगा तब मैं अपनी वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, और उसी 12वें पंथ में आगे चलकर मैं खुद आऊंगा। जब कलयुग 5,505 वर्ष बीत जाएगा तब पिछली पीढ़ी वाले मेरे हंसों को अपने निज धाम सतलोक ले जाऊंगा। 12वें पंथ होवे उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रकटे सोई, 12वें पंथ प्रकट होवे मम बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मरम न पावे, 12वें पंथ में हम ही चल आवे, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावे। 4वां युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पटाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर वानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5,505 तब यह वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ऐसे ने उसने अपनी पड़ताल में पाया कि परमेश्वर कबीर जी ने संवत 1774 में आदरणीय संत ग्रीवदास जी द्वारा अपने ज्ञान को पुनः प्रकट करवाया। वह अपने बताए अनुसार उसी ग्रीवदास पंथ में आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए। ऐसे में परमेश्वर को चाहने वाली आत्माओं को चाहिए कि अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने व संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।